हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के अलर्ट में। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके हैं एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि हाल ही में जो दिल्ली पुलिस के फॉर्म भरे जा रहे हैं, और फॉर्म भरने के बाद में दोस्तों उनका एग्ज़ाम होना है दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल के। और एग्ज़ाम होने से पहले उनके जो एडमिट कार्ड हैं दोस्तों, वो कब तक जारी किए जाएंगे, और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल से संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहें। और आपके जो एडमिट कार्ड है वो कब तक डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किए जाएंगे, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। और दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हेड कांस्टेबल की जिन जिन कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है उनके लिए मैं बताऊँगा कि आप को कंपटीशन फाइट करने के लिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि फिजिकल दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के अंदर आपको फिजिकल पास आउट करना होगा। और फिजिकल पास आउट करने के बाद में आपकी जो एग्ज़ाम होगी, और एग्ज़ाम होने के बाद में जो पास आउट कैंडिडेट हैं उन्हीं को ही यहाँ पे कंप्यूटर टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो मेन चीज़ दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, सबसे जो मेन है वो यहाँ पे कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगी। जिन जिन कैंडिडेट्स ने भी फॉर्म भरा है वो उनको ध्यान में रहे कि बाकी चीज़ की नॉर्मल तैयारी करें, जैसे टेस्ट है उसमें आप फाइट कर सकोगे आराम से, लेकिन सबसे हार्ड जो चीज़ होगी आपकी वो कंप्यूटर टाइपिंग होगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल यानी ऑफिशियल वर्किंग के लिए आपकी ये पोस्ट है 554 पोस्ट, जो दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा निकाली गई है। और आपके जो एडमिट कार्ड हैं दोस्तों, वो लगभग आपके नवंबर तक या नवंबर लास्ट तक उपलब्ध करवा दी जाएंगी। जो ही एग्ज़ाम आपकी कंप्लीट होगी, आपके नवंबर लास्ट तक आपके एडमिट कार्ड या दिसंबर फर्स्ट में आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। एग्ज़ाम से पहले आपके लगभग 20 या 25 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। और आपका सिलेक्शन का जो प्रोसेस है दोस्तों, सबसे पहले आपका फिजिकल हैंडीकैप जो फिजिकल है, सॉरी फिजिकल होगा सबसे पहले जाते, जिसके अंदर दौड़ है, हाइट वेट, चेस्ट, लंबी कूद, ऊंची कूद सब होगा आपका। और फिजिकल होने के बाद में वहीं पे आपको पास आउट के प्रवेश पत्र दिए जाएंगे, और प्रवेश पत्र दिए जाने के बाद में सम डेज नेक्स्ट टाइम में आपके वहाँ पे दोबारा जाना होगा एग्ज़ाम के लिए, जिसमें सिर्फ आपको एग्ज़ाम होगी, टेस्ट होगा। और टेस्ट पास होने के बाद में जो कैंडिडेट पास करता है टेस्ट को, वो कैंडिडेट की टाइपिंग टेस्ट होगी कंप्यूटर बेस्ड पे, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं। आपकी इच्छा है कोई भी टाइपिंग आप कर सकते हैं, हिंदी की या इंग्लिश की, और उसके बाद में आपका फाइनल मेरिट बनेगी। तो दोस्तों, ये थी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एडमिट कार्ड से संबंधित और सिलेक्शन प्रोसेस से संबंधित, जो हमने आपको यहाँ पे बताई है। जिन जिन कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है इनको फॉलो करें दोस्तों, आप निश्चित रूप से पास होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।